चलिए बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क के बारे में, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में यानी बैंक में निकली हुई है बम्पर भर्ती। बिल्कुल सही सुना, 7200 से भी ज़्यादा है वैकेंसी। यहाँ आईबीपीएस क्लर्क 2018 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 28 वर्ष के उम्र से कम उम्र सीमा के जितने भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं और उनकी उम्र सीमा 21 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं इस एज क्राइटेरिया में वो फॉर्म जरूर भरें। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक ओपन हो जाएगा 18 सितंबर से इसके ऑफिशियल वेबसाइट आईबीपीएस पे। हम आपको लेकर चलेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर और बताएंगे कि कितना है इसका एलिजिबल क्राइटेरिया, क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितना है फीस इस फॉर्म को भरने का और कौन कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको कि क्या ये हर स्टेट लेवल पे इसका एग्ज़ाम होने वाला है या फिर ऑल ओवर इंडिया, यानी कि जो इसका कट ऑफ कैलकुलेट किया जाएगा वो स्टेट लेवल पे होगा या फिर ऑल इंडिया लेवल पे होगा, ये सारी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले अगर जिन कैंडिडेट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल पे जाएं, एजुकेशन की को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको पल पल की खबर और हर नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले जारी किया जाता है नोटिफिकेशन। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लें ताकि पल पल की खबर आपको हम आप तक पहुंचा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां पर इसकी निकली हुई है वैकेंसी, हम आपको दिखलाना चाहेंगे। आप आ जाइएगा सीधे सीआरपी क्लर्कियल लिंक पे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे आप क्लर्क वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे आईबीपीएस के। और यहाँ पे ग्रेड 8 का निकला हुआ है नोटिफिकेशन, ये देखिए, क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कोई भी इसमें फर्जी नहीं है न्यूज़, ये बिल्कुल सच है और 7200 से भी ज़्यादा है वैकेंसी इस बार की, ये हम आपको बताएंगे विथ प्रूफ। ये देखिए, जैसे ही इसको क्लिक करोगे आप इसके पीडीएफ पे आ जाओगे, यानी कि जो इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है उस पे आ जाओगे। तो मैंने नोटिफिकेशन को यहाँ डाउनलोड कर रखा है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये निकली हुई है वैकेंसी ग्रेड 8। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये वैकेंसी ग्रेड 8 की है, 2019 और 20 की वैकेंसी इसको बोली जा रही है। और इस वैकेंसी के बारे में चलिए आपको बताते हैं कि अब क्या है और कब तक इसका ज्वाइनिंग आपको दिया जा सकता है। तो देखिए, 31 मार्च 2020 विदाउट गिविंग एनी नोटिस। और इसके देखिए, इसका जो 19-20 का जो है, मतलब जो 2019 में और 20 में इसका बेस बिजनेस माना जा रहा है इस आईबीपीएस क्लर्क के बारे में। ठीक है, चलिए ये तो बात की बात है, हम जानते हैं आगे कि कौन कौन से बैंक इसमें इस बार पार्टिसिपेट किए हैं। तो देखिए, सबसे अगर पहले बात की जाए तो अलाहाबाद आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, ये सारे के सारे जो टॉप बैंकिंग है ये सभी हैं। और द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द इवेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। देखिए यहाँ पे आपको, जैसा कि 18/9/2018 से 10 अक्टूबर 2018, यानी कि अंतिम तिथि है इस फॉर्म को भरने की 10 अक्टूबर, माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, इससे पहले ही इस फॉर्म को जरूर डाल दीजिएगा, किसी भी फॉर्म को आप पहले ही डालने चाहिए। ठीक है, 18 तारीख से इसकी लिंक ओपन हो जाएगी जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है। अच्छा जी, और पेमेंट की जो आपकी जो डेट है वो भी 18 से 10 अक्टूबर तक है, 18 सितंबर से 10 अक्टूबर तक। अच्छा, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, जो भी कैंडिडेट एस सी एस टी से है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है आईबीपीएस, तो उनको नवंबर 2018 में उनकी लिंक ओपन हो जाएगी, वो यहां से जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं आईबीपीएस के एग्ज़ाम की। कंडक्ट फॉर द प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, तो 26/11 और 1/12, यानी कि ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है उन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं डाउनलोड ऑफ ऑल कॉल लेटर ऑफ द ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिम्स। नवंबर 2018 में आप फॉर्म को प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर अपना डाउनलोड करोगे, वो डेट आ जाएगा, डेट बता दिया जाएगा। इसकी जो टेंटेटिव डेट बताई जा रही है कि 8/12, 9/12, 15/12 और 16/12/2018, यानी कि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है। तो जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनके लिए तो सफिशियंट टाइम है, बहुत ही ज़्यादा। दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, सितंबर में ही फॉर्म आ चुका है, तो जितने भी कैंडिडेट अगर पूरी शिद्दत से लग जाएं
तो ये एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हैं, उनके लिए नौकरी रखी हुई है। और बता दें आपको कि 7200 से भी ज़्यादा वैकेंसी है इस बार की इस IBPS क्लर्क में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं रिजल्ट। ऑनलाइन प्रीलिम्स का जो है दिसंबर जनवरी 2019 तक आ जाएगा इसका, और मेंस का एग्ज़ाम जनवरी 2019 में होगा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका मेंस का 20 जनवरी 2019 को। जी हाँ, जैसा कि यहाँ पे डेट मेंशन कर चुका है यहाँ पे IBPS 20-1-2019 को ये एग्ज़ाम हो जाएगा इसका, और इसका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा अप्रैल में। जी हाँ, अप्रैल 2019 में। चलिए अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ कि आप इंडियन होने चाहिए, और जो नेपाल और भूटान से हैं वो लोग भी कैंडिडेट भर सकते हैं, पर वो वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस फॉर्म को भरते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे एज की, ठीक है। तो यहाँ पे एज जो मेंशन किया गया है, मैंने जैसे कि आपको थंबनेल में बताया है कि 20 साल, देखो मैंने थोड़ा 21 बोल दिया था वहाँ पे, पर जो 20 साल है एज इसका मिनिमम है, और 28 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट उनका जो डेट काउंट होगा वो 2 सितंबर 1990 से 1 सितंबर 1998 के बीच में होना चाहिए एज अ जनरल कैटेगरी, और जो भी OBC से हैं या SC ST से हैं उनको एज द गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है वो उसके थ्रू उनको मिलेगा ही मिलेगा। जो PH क्वाटा के हैं उनके लिए 10 साल का है, ठीक है। तो खैर ये क्राइटेरिया है, और ये आपका एज क्राइटेरिया है यहाँ पे आपको बता दिया गया है, तो ये देख लीजिएगा जरूर। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए आपको मैं बार बार बोलूँगा कि नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, फिर फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हर कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, ठीक है, और उनका जो रिज़ल्ट है उनके एग्ज़ाम से पहले उनके पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने परसेंटेज वगैरह वहाँ पर फिलअप कर सके फॉर्म में भरते समय, ठीक है। चलिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ बताया गया कि जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है उनको, तो वो अपना सर्टिफिकेट भी एग्ज़ाम से पहले सब निकाल सकते हैं, उसको निकाल ले, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म में ये सारी चीज़ें भरी जानी हैं, ठीक है, उसका डिटेल देना है आपको। अब आगे बात करते हैं हम, अगर देखिए बात करते हैं आपके कुछ और क्राइटेरिया जो इसमें है, मैं बता देना चाहता हूँ कि प्री एग्ज़ाम की जो ट्रेनिंग होगी वो इन सब स्टेट्स में होगी। जैसे कि आप इस स्टेट को पूरा पढ़ लीजिएगा, जितने भी SC ST कैंडिडेट हैं उनको एक जो प्री ट्रेनिंग एग्ज़ाम होता है उन सब का जो सेंटर है यहाँ होगा प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की, ठीक है। और देखिए मैं बता दूँ आपको कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है बिल्कुल पिछले साल जैसा ही है, 20 मिनट का 20 मिनट का 20 मिनट का, यानी कि यहाँ पे टाइम शेड्यूल कर दिया गया है पर एग्ज़ाम के लिए। इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेगा आपको, 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। वहीं पर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स की बात की जाए तो 20 मिनट का टाइम मिलेगा, और रीजनिंग एबिलिटी में भी सेम आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा, पर वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ नंबर जो होंगे वो 35 होंगे और मार्क्स भी उनके 35 होंगे। यानी कि प्रीलिम्स की बात की जाए तो 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, उसमें जो भी आपका एग्ज़ाम में रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। अब बात करेंगे हम मेन मुद्दे पे, ठीक है। कट ऑफ निर्धारित की जाएगी तो उन कैंडिडेट जो भी जिस स्टेट से भरे हैं, देखो स्टेट तो बहुत हैं, ठीक है, हर स्टेट से बंदा जो भी भरेगा फॉर्म, तो ये स्टेट वाइज जितने वैकेंसी, यानी कि अगर 7200 में मान लो बिहार या UP से जो भी बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, बिहार से मान लो, तो बिहार से अगर मान लो सीट है 500 और उस 500 में जितने भी फॉर्म बिहार से आएंगे वो उनका फाइट डेस्टिनेशन होगा, यानी कि वहाँ पे उनका फाइट होगा उस 500 सीट के लिए। बस इतना से जीत जान लेना, और ये मत सोचना कि 7200 से ज़्यादा है वैकेंसी। हो सकता है किसी स्टेट को ज़्यादा मिला हो वैकेंसी, हो सकता है किसी स्टेट को कम मिला हो वैकेंसी, पर आपको अपने स्टेट के अनुसार ही फॉर्म भरने हैं। जो भी कैंडिडेट हिंदी मीडियम से हैं यानी कि हिंदी वासी हैं, हिंदी बोलने वाले स्टेट हैं जैसे कि UP, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल, तो ये सब जितने स्टेट हैं, उत्तराखंड, ये सब जितने स्टेट हैं ये यहाँ हिंदी बोले जाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिल जाए कि आप अदर स्टेट से भी जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप उस जिस स्टेट से जितना ज़्यादा जिस स्टेट का फॉर्म होगा वहाँ से आप भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इनको एक हिंदी वासी होने का फ़ायदा यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि
दूसरा चीज़ है यहाँ पे नोटिस किया गया है, बताया गया है यहाँ पर कि अगर आप बंगाल से फॉर्म भरते हैं तो वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप बंगाल से फॉर्म भरते हैं तो आपको बंगाली बोलने आना चाहिए, अगर आप गुजरात से भरते हो तो गुजराती आनी चाहिए, हिंदी से भरते हो तो आपको हिंदी आना चाहिए, ऐसा है ये, ठीक है। स्टेट वाइज है वैकेंसी, कहने का मतलब है और कुछ नहीं। मेंस पेपर की अगर बात कर ले जहाँ पे, तो वहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है जहाँ के आपको 35 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। इंग्लिश का लिए 40 क्वेश्चन होता है जहाँ पे 35 मिनट का टाइम है, 40 क्वेश्चन है। और रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर टेस्ट की बात की जाए तो वो भी 45 मिनट का एग्ज़ाम होगा आपका, और 50 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। और क्वांटिटी में तो यानी कि देखो 50 नंबर का क्वेश्चन है और 50 नंबर के मार्क्स भी होंगे। तो यहाँ पे बात किया जाए तो रीजनिंग का वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 60 नंबर के एग्ज़ाम होने हैं 50 क्वेश्चन में ही, यानी कि टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होना है, ठीक है। तो ये बहुत ही एग्ज़ाम का पैटर्न जो है चेंज किया गया है पिछले की बार से, क्योंकि इस बार देखा जाए तो टाइम स्लॉट जो है थोड़ा अलग अलग है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी रीजनिंग और मैथ के कुछ अलग हैं इस बार देखा जा रहा है, ठीक है। तो दिन हर साल अगर देखा जाए तो पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज करता ही है IBPS अकॉर्डिंग टू द SBI एग्ज़ाम, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने हैं तो एग्ज़ाम सेंटर देख कर भरिएगा, जहाँ आप एलिजिबल हैं जिस स्टेट के लिए उस स्टेट के लिए भरिएगा, जहाँ वैकेंसी है ज़्यादा वहाँ सोच के ये ना भर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको हो सकता है कि वहाँ पे लैंग्वेज को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। और आगे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो आपका स्टेट लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, उस स्टेट का कितना कट ऑफ जा रहा है टोटल वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा वो कट ऑफ भी। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशंस की। तो आपको अपना फॉर्म भरते समय थंब, लेफ्ट थंब भी स्कैन करके डालना है फ़ोटो सिग्नेचर के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट थंब भी आपको अपना फॉर्म और सिग्नेचर के साथ डालना है, ठीक है। अप्लाई करने की लिंक जो है 18 से खुल जाएगी और 10 अक्टूबर तक आखिरी डेट है, ठीक है। फोटोग्राफ का साइज़ जो होता है वो 4.5 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सिग्नेचर का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इसे ज़रूर एक बार पढ़ेंगे नोटिफिकेशन को और देखेंगे। अच्छा, साथ ही साथ जो सिग्नेचर होना चाहिए आपका कैपिटल लेटर में सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कैपिटल लेटर नॉट एक्सेप्टेड, जो आपका रनिंग जैसे सिग्नेचर होता है, जैसे मान लो ये रनिंग सिग्नेचर है तो आप रनिंग सिग्नेचर ही अपना दोगे, ठीक है, कैपिटल लेटर अलाउड नहीं होगा। फीस की अगर बात कर ले यहाँ पर, तो देखिए फीस जो है SC ST कोटे के जितने भी कैंडिडेट हैं और PH कोटे के, उनके लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है, और बाकी जो भी हैं जनरल और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट उनके लिए 600 रुपये का ये फॉर्म भरा जाना है। 10 अक्टूबर लास्ट डेट बताया जा रहा है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को ज़रूर एक बार भरें, क्योंकि ये 7200 की वैकेंसी हो सकता है किसी स्टेट में इतनी ज़्यादा हो कि उन सभी कैंडिडेट को फ़ायदा हो सके जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन फॉर्म का लिंक ओपन होगा उस दिन भी आपको एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो।